कुछ कहानियां यहीं शुरू होके यहीं खत्म हो गया, पर कुछ कहानियों ने इतिहास रच दिया। यूपीएससी का एग्जाम ना फिजिकली नहीं मेंटली भी चूस लेता। फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं निकला, सेकंड नहीं निकला, थर्ड नहीं निकला, फाइनल अटेम्प्ट नहीं निकला, पलट के देखोगे जिंदगी का 6 साल गायब। हाय फ्रेंड्स, आप लोगों ने ये डायलॉग तो सुना ही होगा, जो कि इंडिया के हर एस्पिरेंट जो कि यूपीएससी गेट कैट की प्रिपरेशन कर रहा है उनको गूज बम्प्स करने की ताकत रखता है। सो फ्रेंड्स, आप लोग समझ गए होंगे कि अब मैं बात करने वाला हूँ TVF की न्यू वेब सीरीज UPSC एस्पिरेंट के बारे में। तो फ्रेंड्स, सीरीज का रिव्यू करने से पहले हम लोग बात करते हैं सीरीज के कुछ मेन पॉइंट्स के बारे में। सो फ्रेंड्स, UPSC एस्पिरेंट पार्ट 1 की स्टोरी 3 फ्रेंड्स की लाइफ के अराउंड घूमती है, जिनका नाम अभिलाष, गुरी और SK होता है। लेकिन कहानी का मेन सेंटर बार बार अभिलाष की लाइफ में ही आकर रुक जाता है। इसके अलावा इस वेब सीरीज में संदीप भैया और वाले अंकल और धैर्य की परफॉर्मेंस भी आइकॉनिक है। हाँ तो फ्रेंड्स, हम लोग बात कर लें कि ये सीरीज किन लोगों को देखनी चाहिए। तो ये सीरीज कर UPSC एस्पिरेंट और जो गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट हैं, स्टूडेंट्स हैं जो अपनी लाइफ में स्ट्रगल फेस कर रहे हैं। खासकर ये सीरीज इंजीनियर्स के लिए काफ़ी बनी, क्योंकि इस टाइम वही लोग सबसे ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग बात कर लें ये सीरीज हमें क्यों देखनी चाहिए। दोस्तों, ये सीरीज उन स्टूडेंट्स के लिए है जो 2 साल की प्रिपरेशन करने के बाद अगर एग्ज़ाम नहीं क्लियर होता है तो ये सोचते हैं कि सब खत्म हो गया भाई, सब खल्लास। तो ऐसा कुछ नहीं है, उन्हें ये वेब सीरीज़ देखनी चाहिए, क्योंकि इस मूवीज़ के जो आगे के पार्ट्स आने वाले हैं उसमें इसी डर को ख़त्म किया जाएगा। और हमने देखा भी है कि गुरी एक सफल बिजनेसमैन बन जाता है और SK एक आउटस्टैंडिंग टीचर जो कि UPSC क्लियर नहीं कर पाते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करते हैं सीरीज के आगे के पार्ट्स में क्या। तो फ्रेंड्स, सीरीज के आगे के पार्ट्स में हम लोग देख सकते हैं फैंस के अंदर काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि अभी तक आगे के जितने भी एपिसोड आए हैं और तीनों ही एपिसोड यूट्यूब में आते ही ट्रेंड होने लगे और देखते ही देखते एक हफ्ते के अंदर 12 मिलियन प्लस हो गए। फ्रेंड्स, इस हिसाब से TVF की ये सीरीज भी एक ब्लॉकबस्टर होने जा रही है, जैसा कि कोटा फैक्ट्री की अपार सफलता के बाद एक बार फिर TVF ने ये साबित कर दिया कि वो जो भी वेब सीरीज बनाते हैं इंडियन ऑडियंस को ध्यान में रखकर बनाते हैं और उनका मेन उद्देश्य इंडियन ऑडियंस का मनोरंजन करना है साफ सुथरी सिनेमा को देकर। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि TVF ने एक बार फिर साफ सुथरी सिनेमा को देकर इंडियन ऑडियंस का मनोरंजन कर दिया, तो इस हिसाब से ये सीरीज ब्लॉकबस्टर है और मैं आप लोगों से टोटली रिकमेंड करूंगा कि आप लोग ये सीरीज जरूर देखें।